काम ही नहीं है, महंगाई चार है। महंगाई सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा महंगाई है, आम आदमी महंगाई से परेशान। क्या लगता है कौन सी सरकार इन चीजों को फिक्स कर सकती है आकर? ये कैसे बता सकते, हम नहीं बता सकते, सॉरी। आपकी नजर में महंगाई को कम किया जा सकता है? महंगाई को कम किया जा सकता है वो तो सरकार कर सकती है, नहीं कर सकते ना। आम आदमी को क्या चाहिए? आम आदमी को जो चाहिए वो चीज़ सस्ती होनी चाहिए, वो चीज़ सस्ती है ही नहीं। आज सिलेंडर देखो 350 में खरीदते थे, सर पे लेके घूम रहे थे, बाद में बोले जो है ठीक है, आज 1150 रुपये सिलेंडर खरीद रहे हैं। मैं मगर देश जोड़ना है ना तो पीओके में यात्रा करो, नफरत की दुकान वहाँ है, वहाँ मोहब्बत की दुकान खोले ना। और रही बात आप मुसलमानों को प्रताड़ित करने की बात कर रहे हो, अगर भारत देश में हिंदू शरणार्थी आ रहा है तो मुसलमान शरणार्थी भी भारत देश में है, जिसको हम रोहिंग्या बोलते हैं। अगर इतने उनको वहाँ सुविधा है तो हमारे यहाँ शरण क्यों ले रहे हैं? अगर हिंदू आ रहा अपने यहाँ तो मुसलमान भी शरणार्थी आ रहा, तो कौन प्रताड़ित कर रहा? अगर प्रताड़ित किया जाता तो ये भागते आते नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, क्यों इतना शोर हो के क्यों कह रहे आप? क्योंकि उन्होंने काम किए हैं ऐसे, सब काम ठीक ही किए हैं। अभी जो हमारे साथ एक सर जुड़े थे वो कह रहे थे महंगाई बेरोजगारी कर दी है। महंगाई तो खैर बढ़ेगी तभी देश आगे बढ़ेगा। काम तो सरकार जब आएगी, जब चुनाव आएगा तभी बताएगी, हम ऐसे का अकेले कैसे बता सकते हैं। कुछ काम पसंद नहीं आया आपको? 8 साल, 8 से 9 साल हो गए मोदी जी का, कुछ काम गलत है? क्या क्या काम ठीक लगे आप? अब रोड सबसे अच्छे हुए हैं, रोड अच्छे हुए हैं। खराब क्या काम हुआ? खराब रोजगार ही नहीं है, काम ही नहीं है, महंगाई सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा महंगाई है, आम आदमी महंगाई से परेशान। क्या लगता है कौन सी सरकार इन चीजों को फिक्स कर सकती है आकर? ये कैसे बता सकते, हम नहीं बता सकते, सॉरी। आपकी नजर में महंगाई को कम किया जा सकता है? महंगाई को कम किया जा सकता है वो तो सरकार कर सकती है, नहीं कर सकते ना। आम आदमी को क्या चाहिए? आम आदमी को जो चाहिए वो चीज सस्ती होनी चाहिए, वो चीज सस्ती है ही नहीं। आज सिलेंडर देखो 350 में खरीदते थे, सर पे लेके घूम रहे थे, बाद में बोले जो है ठीक है, आज 1150 सिलेंडर खरीद रहे हैं। अब ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी है सर, पहले नहीं थी? इसके पहले महंगाई कहाँ थी? पेट्रोल 75 रुपए में खरीदते थे, 100 रुपए में खरीद रहे हैं, अब महंगाई है नहीं है? सैलरी भी तो बढ़ी है साथ में, लोगों की संख्या भी बढ़ी है साथ में। 2 साल से बैठे हुए हैं, काम ही नहीं है, दाल रोटी चल रही है बस। आप कुछ भी काम नहीं करते? नहीं काम करते हैं, ठेकेदारी करता हूँ। आप बोल रहे काम ही नहीं, काम ही नहीं, बता रहा हूँ काम नहीं है भाई। हमारे पास 10 लेबर काम करता था, आज लेबर ही नहीं है, 2 लेबर है काम कर रहा है, बताओ तो घटा नहीं है। पहले आपका रोजगार कैसे काम करता था? रोजगार ठीक ठाक, कोरोना मोदी जाए तब से पहले ठीक ठाक था, कोविड कोरोना तो इसमें कारण है ना, एक बहुत बड़ा रीजन है। क्या नाम है सर? अरे हम ना बोले वही बोला, नाम तो होगा कुछ? अरे नाम होगा, हम क्या, नाम ही नहीं सर। क्या नाम है? एल के शर्मा। कहाँ के रहने वाले सर? डिस्ट्रिक्ट बदायूं, यूपी से। यूपी से सर, क्या लगता है 2024 में कौन प्रधानमंत्री बन? प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, इतना शोर हो के क्यों कह रहे आप? क्योंकि उन्होंने काम किए हैं ऐसे, सब काम ठीक ही किए हैं। अभी जो हमारे साथ एक सर जुड़े थे वो कह रहे थे महंगाई बेरोजगारी कर दी है। महंगाई तो खैर बढ़ेगी तभी देश आगे बढ़ेगा। अच्छा, महंगाई से आप देश की प्रगति को रिलेट कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ेगी तभी देश आगे बढ़ेगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, तो मतलब रोजगार जनता को क्या बोलते हैं, रोजगार नहीं होगा तो जनता कैसे सर्वाइव करेगी? रोजगार तो खैर कम हुआ है, बाकी क्या कर सकते हैं। क्या लगता है 24 में आ पाएंगे मोदी जी दोबारा? हाँ लगता तो है। और विपक्षियों का क्या, जो लगातार बोल रहे हैं कि हम आएंगे, हम आएंगे 24? अब देखो वैसे तो जो बोलते हैं वो होता नहीं है। और नहीं बन सकते राहुल गांधी प्रधान? किस्मत है, बाकी मोदी जी का ही ज़्यादा उम्मीद है। किस्मत है राहुल गांधी जी, जनता उनका समर्थन नहीं कर रही राहुल गांधी? बहुत कम, बहुत कम जी। क्या कारण देखते हैं कि राहुल गांधी नहीं बन सकते प्रधानमंत्री, क्या कारण है इसके पीछे? नहीं बता सकते कुछ, ऐसा नहीं बता सकते कुछ हम, बाकी मोदी जी का ही जैसा सुनते हैं वैसा ही बोल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मोदी जी का ही। अच्छा, क्या क्या विकास देखा आपने मोदी जी के काल में? आपकी नज़रों में क्या क्या विकास हुआ? विकास तो खैर हुए हैं, वैक्सीन का भी बहुत अच्छा काम किया मोदी जी ने, और भी बाकी बड़े लेवल पर काम किए हैं, बाकी तो गरीब आदमी तो खैर पैसा ही है। हाँ। ठीक है, बाकी बड़े लेवल पर काम किए हैं मोदी जी ने। सर क्या नाम है? सुखदेव प्रसाद। कहाँ के रहने वाले सर? गोरखपुर से। यूपी से जी। सर, बात करें 2024 की, किसे बनना चाहिए प्रधानमंत्री? वही मोदी ही आएंगे। मोदी जी आएंगे? हाँ। मोदी जी क्यों, विपक्ष में और कोई नेता नहीं? उनके पास इतना नॉलेज है देश विदेश में, उनकी इतना क्षमता है, हर एक जगह मांग है उनकी, सब कुछ है, उतना ही इस सब लेवल में नहीं है ये सब। मैं
महंगाई बेरोजगारी को लेकर फिर आप क्या? महंगाई तो खैर है, बेरोजगारी भी है, पर क्या किया जाएगा। देश को सक्षम रखने के लिए तो किसी को अच्छे चुनना पड़ेगा ना, है कि नहीं? तो कार्यकर्ता के लिए यही मोदी ही काफी है। क्या आपने क्या क्या विकास देखा कि देश में क्या क्या काम हुआ मोदी जी के आने से? देश में विकास तो बाहर की योजना से बहुत ज़्यादा हुआ है, बाहरी विकास बहुत ज़्यादा हुआ है, मान प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा बढ़ी है। लेकिन राहुल गांधी जी कहते हैं कि खाली देश बेचने का काम किया और कुछ काम नहीं किया। इनका खानदान ही धूर्तबाज है तो ये कहाँ से अच्छे रहेंगे। इनका जड़ ही धूर्तबाज है, इंडिया को बेच का ऐसा वैसा। लेकिन वो दावा करते हैं कि 24 में हमारी सरकार बनेगी। किसी भी कीमत में नहीं आएंगे, दो एक सीट पा जाए वही काफ़ी है। एक भी सीट नहीं आएंगे? बस दो एक सीट पा जाए वही काफ़ी है, कुछ भी करते रहें। लेकिन वो ऐसा दावा करते हैं कि मोदी जी से देश नहीं चल रहा है, खाली नफरत फैलाते हैं, हम ठीक तरीके से देश चलाएं। मोदी जी नफरत नहीं फैलाते हैं, कार्यकर्ता उसमें कुछ गलत तो होते ही हैं हर एक पार्टी में। मोदी जी ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे देश की छवि खराब। देखोगे कांग्रेस के जो नेता हैं अभी पवन खेड़ा जी, हाल ही में उन्होंने मोदी जी के पिताजी को लेकर टिप्पणी करी थी, क्या एक प्राइम मिनिस्टर के पिताजी को लेकर टिप्पणी करना सही है? सभी लोग होते हैं, उत्तम भी डिपार्टमेंट के होते हैं, मध्यम के भी होते हैं। ये जरूरी थोड़ी होता कि रईसी खानदान के सारा काम कर सकते हैं, गरीब खानदान के भी अच्छे काम कर सकते हैं। देखिए मोदी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसलिए मोदी जी आएंगे। हाँ क्या नाम हुआ आपका? दिलीप सिंह नाम है। कहाँ से रहने वाले? वैसे तो यूपी से, अभी दिल्ली में। दिल्ली में रहते हैं और आपका घर जो है यूपी में। सर आपकी नज़र में क्या लगता है कौन प्रधानमंत्री बन सकता है 24 में? अभी कुछ कह नहीं सकते। हेलो, संभावना किसकी लग रही है? एक प्रोबेबल रीजन तो आप बता सकते हैं? जो मथुरा मंदिर बनाएगा वही बनेगा। अच्छा, जो मथुरा मंदिर बनाएगा, तो राम मंदिर बन गया, क्या लगता है मथुरा मंदिर कौन बनाएगा? राम मंदिर बनाने वाले बैठे हैं, मथुरा मंदिर बनाने वाले बैठेंगे। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कौन सी सरकारी काम कंप्लीट करा सकती है? मुझे क्या, जो भी विचारधारा मथुरा मंदिर बनाएगी वही देश पे राज करेगी, ये तय है। जो मंदिर बनाएगा खाली उसी का समर्थन करेंगे? मंदिर बनेगा, देश का विकास होगा, रोजगार होगा, और जब भगवान की तरफ जो जाता है ना वो पब्लिक को ऑटोमेटिक परेशान नहीं करता, क्योंकि भगवान ने पब्लिक को कभी परेशान नहीं किया। परेशान पब्लिक को किया कौन? शैतान। तो शैतानी दिमाग को भगाना है और जो धार्मिक है उनको देश की गति पे बैठाना है। आप फिर हिंदुत्व की बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं, फिर कांग्रेस पार्टी वाले बोलते हैं खाली हिंदुओं की पार्टी है, मंदिरों का निर्माण करती है, गरीब जनता के लिए कुछ नहीं करती। नहीं, कौन से ऐसा मंदिर है जहाँ निर्माण अगर हुआ है और वहाँ गरीब जनता का भला नहीं हो रहा, मुझे बता दीजिए। अयोध्या में देखिए कितना रोजगार सृजित हुआ, मंदिर बन रहा है, कितनों को भला हो रहा है। अगर मथुरा बनेगा तो यहाँ भी भला होगा। लेकिन विपक्ष तो लगातार ये बोलता है कि मंदिर मस्जिद किसी को खाने के लिए थोड़ी दे रहा है, इससे अच्छा हॉस्पिटल बना देते, कॉलेज बना देते, इस तरह की टिप्पणी करी जा रही है। नहीं, विपक्ष कौन सा खाने के लिए दे रहा है, मंदिर तो फिर भी दे रहा है। मंदिर बनेगा, रोजगार आ रहा है, रोजगार आ रहा है ना, ईंट पत्थर गारा सीमेंट रोड, ये रोजगार नहीं है। लेकिन सर राहुल गांधी जी ऐसा दावा करता है कि हमने जो भारत जोड़ो यात्रा करी जनता हमारे बड़े समर्थन में है, क्या लगता है समर्थन में है? अच्छी बात है, समर्थन करना चाहिए। क्या लगता है जीत पाएंगे समर्थन के साथ? जो मथुरा मंदिर बनाएगा वह जीतेगा। एक बार राहुल भी बोल दें कि हम मंदिर बनाएंगे तो आप जिता देंगे उनको? बिल्कुल जिता देंगे, वो बोल के तो देखें इतनी हिम्मत है उनमें, वो बोले। हम उनको अपने आप को हिंदुत्ववादी बोलते हैं, हम अपने आप को शिव भक्त बोलते हैं, वो चंदन लगाते हैं, जनेऊ पहनते हैं, तो बना देंगे, क्या दिक्कत? तो हम कह तो रहे हैं कैमरे पे बोले चलो कल से चलते हैं, हम भी चल देते हैं, काम धंधा छोड़ के आंदोलन मोदी सरकार के खिलाफ। हाँ। मंदिर की नींव रखते हैं, जिता देंगे। राहुल गांधी को रत्नेश पांडे नाम हुआ है मैडम, राहुल गांधी को पता भी है जनेऊ क्या कहलाते हैं? उनको नहीं पता, उनको उसका लक्षण नहीं पता है, वो तो वैसे ऐसे पहन लेते हैं ना। और सत्ता जब हाथ से चली जाती है ना तो इंसान को मतलब हर धर्म का याद आ जाता है, फिर उसको मंदिर भी जाएगा मस्जिद भी जाएगा, उससे पहले कभी गए हैं? नहीं गए ना। तो राहुल गांधी अभी है नौटंकी बाज हो चुके हो एक तरह से, जनता का समर्थन पाने के लिए सारा ड्रामा कर रहे हैं बस। लेकिन नहीं मिलेगा ना उनको, उनको भी पता चल के जाएगा 2024 में जनता किसके साथ है। पहले थी कि यहाँ जनता बेवकूफ थी, जनता को बेवकूफ टोपी पहन लिए, मुस्लिमों का वोट मिल गया, चंदन लगा लिए, हिंदुओं का भी वोट मिल गया, लेकिन अब जनता समझ गई है कि हाँ कौन किसके भला के लिए काम कर रहा है और कौन किसके लिए नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ आ गया ना। क्या लगता है कि किसे जिताना चाहते हैं आप 24 में? देखिए 2024 में इसमें कहीं भी शक नहीं है कि मोदी आ रहे हैं, 2024 में मोदी आ रहे हैं इसमें कहीं भी शक नहीं है, और पूरे बहुमत से आएंगे और 300 पार ही जाएगा, 350
भी पार हो जाएगा इस बार। अभी जिस सर थे हमारे साथ, इन्होंने ऐसा बोला कि जो मथुरा में मंदिर बनाएगा हम उसे जिताएंगे। नहीं, इसमें गलत नहीं है, एक बात सोचने वाली है। पहले क्या हुआ कि जब मुगल शासक आए तो उन्होंने मंदिरों को तोड़ करके ही मस्जिद बनाई, तो उसी जो हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ है उसी को न्याय दिलाने का अगर कोई काम कर रहा है तो उसमें गलत नहीं है। इसमें राहुल गांधी या कोई भी पार्टी हो, लोकल पार्टी कोई भी अगर इस पर कमेंट करे तो गलत बात है। अन्याय हुआ है उसको न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं तो सही बात है, होना चाहिए ऐसा। ऐसे फैसले लिए जाते हैं मंदिरों के मतलब सपोर्ट में, हिंदुओं के सपोर्ट में, तो बोलते हैं कि इस देश में मुस्लिम प्रताड़ित है, नफरत की राजनीति कर रहे हैं, हिंदुओं की पार्टी है सत्ता में। यहाँ की अगर आप अदर कंट्री की देखो तो वहाँ की मुस्लिम जितने प्रताड़ित हैं उसके कंपेयर में इंडिया के मुस्लिम बहुत ही खुश हैं। अभी आप पाकिस्तान का हाल देख लो, वहाँ पे तो चलो कोई हिंदुत्व पार्टी नहीं है, वहाँ इस्लामिक कंट्री एक तरह से, लेकिन वहाँ पे आप देखो क्या उनकी हाल है। यहाँ पे इंडिया में फिर भी आप मान के चलो कि 25-30 करोड़ हैं मुस्लिम, फिर भी यहाँ जितने वो सुरक्षित हैं और जितना मतलब वो खुशी से हैं किसी भी कंट्री में नहीं है। जब इतना सब कुछ दिया जा रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही हैं, उसके बावजूद भी राहुल गांधी जी बोलते हैं मुस्लिम प्रताड़ित हैं, नफरत फैला रहे हैं मोदी जी। राहुल गांधी का एक वोट बैंक था, मुस्लिम वोट बैंक जो है, उनको लगता था कि हमारी वोट बैंक है और वो भी उनके हाथों से खिसकती जा रही है। तो अब क्या कर रहे हैं कि मुस्लिमों को डराना वगैरह इन लोग का काम है और उनका वोट, उनकी सहानुभूति लेना इनका काम है कि वो जो वोट है मेरा 15-20% जो है वो हमारे हाथ से ना कसके, तो ऐसा करना उनके लिए है। लेकिन इससे कुछ अब जनता भी समझ गई है, मुस्लिम भी अब समझ गए हैं कि हाँ ये कभी भला करते नहीं है, बस ऐसे ही वोट के लिए जोड़ो यात्रा का मोटिव रखते हैं कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। इस मोटिव से आपके मन में क्या विचार आता है? इससे कुछ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है मैडम, इससे देखो लोग समझ चुके हैं कि हाँ राहुल गांधी क्या है। और अभी तो उनके आप जनता की छोड़ो, अच्छा एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो जिस पार्ट में अभी वो देश जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कश्मीर एक भारत से टूटता जा रहा है, तो वहाँ पे जाकर जो उनके दादा परदादा थे, जो नेहरू जी ने जो काम करा कश्मीर को विभाजन मतलब आधा उसका पार्ट उन्होंने पाकिस्तान को दे दिया, तो वहाँ पे जाके भारत जोड़ो यात्रा करें ना, जहाँ पे देश टूट रहा है वहाँ पे जाके करें, ये इस डायरेक्शन में करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बात करें तो कन्याकुमारी से कश्मीर गए, बाकी स्टेट्स में क्यों नहीं गए वो, अगर भारत जोड़ रहे तो नॉर्थ ईस्ट एरियाज में नहीं गए? मैं जवाब देता हूँ, मैं अगर देश जोड़ना है ना तो पीओके में यात्रा करो, नफरत की दुकान वहाँ है, वहाँ मोहब्बत की दुकान खोले ना। और रही बात आप मुसलमानों को प्रताड़ित करने की बात कर रहे हो, अगर भारत देश में हिंदू शरणार्थी आ रहा है तो मुसलमान शरणार्थी भी भारत देश में है, जिसको हम रोहिंग्या बोलते हैं। अगर इतने उनको वहाँ सुविधा है तो हमारे यहाँ शरण क्यों ले रहे हैं? अगर हिंदू आ रहा अपने यहाँ तो मुसलमान भी शरणार्थी आ रहा, तो कौन प्रताड़ित कर रहा? अगर प्रताड़ित किया जाता तो ये भागते आते नहीं। कांग्रेस के समर्थक हैं वो सड़कों पर निकलकर मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, क्या एक प्राइम मिनिस्टर के बारे में ऐसा बोलना उचित है? नहीं, कब्र खुदेगी बोलना उचित नहीं है, मुझे नहीं लगता ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, ये गलत बात है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। रही बात विरोध का, तो विरोध उनका हक है, विरोध करना चाहिए लेकिन भाषा का संज्ञान लेके। लगातार कांग्रेस पार्टी मोदी जी के बारे में आपत्तिजनक शब्द बोलते, फिर चाहे वो पवन खेड़ा जी हो या और भी कई सारे बड़े बड़े नेता हो, क्यों ऐसा क्यों? क्या पर्सनली किसी के ऊपर टिप्पणी करना सही है? वो होता रहता है, मैं नेता हूँ नहीं, इधर से भी हमारे लोग भी करते हैं, उधर से भी करते हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने किसी व्यक्ति और किसी पार्टी की बात नहीं की है। जो मथुरा मंदिर बनाएगा, क्योंकि यहाँ भी अब देखो कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, नरेश अग्रवाल जी भाजपा में हैं, उनका बयान याद है? वो बयान में बोल भी नहीं सकता, और ऐसे आदमी अगर हमारे सामने पड़ जाए तो हम थप्पड़ भी मार सकते हैं। हाँ, तो विचारधारा से अगर भटकेंगे तो 100 यहाँ व्यक्ति की बात नहीं है, यहाँ जीत विचारधारा की है। अगर कोई कहे कि कोई मैं पर्सनल हूँ ना, तो पर्सनल किसी की जीत नहीं है, विचारधारा की जीत है। अगर विचारधारा बदलेंगे तो 100 करोड़ हिंदू में से कोई ना कोई नेतृत्व लेने के लिए खड़ा हो जाएगा,